बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने अपने पति और सुपरस्टार राजेश खन्ना का अधूरा सपना किया पूरा। जल्द ही राजेश खन्ना की नाती नौमिका पूरा करेगी नाना जी की अधूरी ख्वाहिश। डिंपल कपाड़िया ने अपनी नाती नौमिका को ट्रेनिंग देनी करी शुरू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। राजेश खन्ना अपने वक्त के वो सुपरस्टार जिन्होंने ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी है। राजेश खन्ना तो चले गए लेकिन अपने साथ कई सारी यादें और कई सारी फिल्में छोड़ गए। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि राजेश खन्ना की जो अधूरी ख्वाहिश थी, जो अधूरा सपना था, अब उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया पूरा करने जा रही है। जी हाँ, और इसका जरिया बनेंगी राजेश खन्ना की नाती नौमिका। क्या है ये पूरी खबर और कैसे नौमिका अब राजेश खन्ना का नाम रोशन करने जा रही है, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया पर आज सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया छाई हुई है और वजह है डिंपल कपाड़िया की एक तस्वीर। जी हाँ, हाल ही में डिंपल कपाड़िया अपनी नाती नौमिका के साथ केदारनाथ की यात्रा पर निकली और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब इन तस्वीरों में खास क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल इन तस्वीरों में डिंपल कपाड़िया अपनी नाती नौमिका के साथ दिख रही है। आपको बता दें कि नौमिका रिंकी खन्ना की बेटी है और साथ ही नौमिका लंदन में ही पली बड़ी है। और आपको मैं बता दूं कि अब नौमिका राजेश खन्ना, जी हाँ, सुपरस्टार राजेश खन्ना और अपने नाना जी का अधूरा सपना भी पूरा करने जा रही है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि नौमिका जल्द ही बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है और उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग, नौमिका को एक्टिंग की ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि खुद डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और साथ ही अक्षय कुमार भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि राजेश खन्ना चाहते थे कि उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारा काम किया है, उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी हिट फिल्में दी है। राजेश खन्ना चाहते थे कि उनके परिवार से कोई बच्चा या कोई सदस्य ऐसा निकले जो उनकी तरह ही एक्टिंग में महारत हासिल कर ले, जो दुनिया में नाम रोशन कर ले, जो एक बार फिर से इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन जाए। हालांकि राजेश खन्ना ने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया वो भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की दो बेटियां भी हैं जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना और दूसरी है रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने भी बॉलीवुड में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। हालांकि ट्विंकल खन्ना को बॉलीवुड में इतना प्यार या फिर आप कह सकते हैं इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ट्विंकल खन्ना की बात करें अगर उनकी छोटी बेटी, राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना की, तो रिंकी खन्ना ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन दुख की बात यह है कि रिंकी खन्ना भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। तकरीबन 10 फिल्में करने के बाद रिंकी खन्ना भी एक फ्लॉप स्टार बनकर रह गई और वो भी अपने पापा राजेश खन्ना के सपने को पूरा नहीं कर सकी। साल 2003 में रिंकी खन्ना ने लंदन के बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिसके बाद साल 2004 में उनकी बेटी हुई जिसका नाम रखा गया नौमिका। और अब नौमिका ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैर रखने वाली है। आपको बता दें कि नौमिका 19 साल की है और बेहद ही खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर नौमिका अक्सर अपनी कई तस्वीरें डालती रहती हैं। हर कोई नौमिका को देखकर उन्हें परी कहता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। हाल ही में जब केदारनाथ में भी नौमिका अपनी नानी डिंपल कपाड़िया के साथ पहुंची तो वहां पर भी उनके माथे पर तिलक, बाल खुले हुए और चेहरे पर चमक साफ देखा जा सकता था। आपको बता दें कि नौमिका सिर्फ 19 साल की है और अभी नौमिका ने फिल्में करना शुरू भी नहीं किया है लेकिन अभी से ही नौमिका के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। नौमिका की तुलना जानवी और सारा अली खान से भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि नौमिका आगे आने वाले समय में राजेश खन्ना की ही तरह सुपरस्टार बनेंगी। खबरें ऐसी भी है कि डिंपल कपाड़िया नौमिका यानी अपनी नातिन को काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी दे रही है। हाल ही में नौमिका ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की कुछ तस्वीरें भी नौमिका ने सोशल मीडिया पे शेयर की थी जिसमें उनके साथ उनकी नानी यानी डिंपल कपाड़िया भी मौजूद थी और साथ ही उनके मम्मी पापा यानी कि रिंकी खन्ना भी मौजूद थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि राजेश खन्ना की तरह जल्द ही अब नौमिका भी एक बड़ी सुपरस्टार बनेंगी और राजेश खन्ना की ही तरह खूब नाम रोशन करेंगी। फिलहाल आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।